वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. आई होप आई एम ऑडिबल. इफ समवन कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन द चैट बॉक्स एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इफ माई स्लाइड इज विजिबल. Ma'am, you are audible. No worries about that. All okay. Go on. Okay. So I would like to welcome all of you on this platform. And hopefully you will learn and enjoy all the upcoming sessions. So before I proceed, let me just give a short introduction of mine. So my name is Vijaya Das, and I am faculty for nutrition for multiple different institutions, national on international level. So here I will be conducting all the classes. We will continue with our slides. एंड मीन वाइल अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका डाउट है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर, या तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं. वंस वी आर डन विद द क्लास, वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस. सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हमें यही देखना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है एंड हाउ These nutrients must be managed. तो हमारा जितना भी मॉड्यूल आएगा फॉर द फर्दर क्लासेस, वी विल हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीजें हम इस पूरे सेशन में समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. तो क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग फिटनेस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ एक्चुअली में होता क्या है. तो एज पर WHO गाइडलाइंस, हेल्थ का मतलब है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग कंडीशन में रहना, जहां पे हम मानसिक, शारीरिक और सोशली, सामाजिक तौर पर हम स्वस्थ हैं. तो उसी को हम लोग हेल्थ बोल सकते हैं. तो इन तीनों चीजों में फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो बेसिकली फूड न्यूट्रिशन दोनों अलग चीजें हैं. फूड की अगर हम बात करें तो फूड इज द थिंग दैट वी आर ईटिंग, जो हम खाते हैं वो फूड है. पर ये हमें समझना है कि जो भी हमने फूड कंज्यूम किया, जो भी हमने खाया, ये सारी चीजें हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती, या जैसे हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी यूज करेगी वैसा नहीं होता. यानी कि जो हमने खाया वो तो फूड है, पर जो हमारी बॉडी को अल्टीमेटली मिला, जो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज किया, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन. तो बहुत समय ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि प्रोटीन जरूरी है, और हम प्रोटीन लेते भी हैं काफी हद तक, काफी कंजम्पशन करने की कोशिश करते हैं. पर ये हमें समझना होगा कि प्रोटीन का यूटिलाइजेशन रेस्ट्रिक्शन है हमारी बॉडी में. यानी कि अगर हम पर केजी वेट के हिसाब से देखें तो 1 ग्राम या 1.2 ग्राम पर केजी वेट से ज्यादा अगर हम लोग प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता. यानी प्रोटीन तो हम खा लेंगे पर हमारी बॉडी को वो प्रोटीन मिलेगा ही नहीं. तो इसीलिए न्यूट्रिशन का समझना, न्यूट्रिशन के बारे में पता होना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीजें हैं जो बॉडी यूज करेगा और किस हद तक करेगा. तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें, सो वी विल गेट टू सी कि न्यूट्रिशन इज द कॉम्पोनेंट्स एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू. कि हो सकता है कि अगर हम लोग ये सोचें कि बॉडी बिल्डिंग करना है और हमें प्रोटीन हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास ऑप्शन है कि आप प्रोटीन चूज कर सकते हैं. तो किसी ने कहा कि हमारे पास पल्सेस अवेलेबल है, दाल अवेलेबल है, फॉर सम अदर पर्सन हो सकता है चिकन अवेलेबल है, और किसी दूसरे के लिए हो सकता है मिल्क अवेलेबल है. तो सुनने में क्या लगता है, सुनने में लगता है कि मिल्क और दाल में कितना ही प्रोटीन मिल जाएगा. अगर प्रोटीन चाहिए तो चिकन, नॉनवेज सोर्सेज ही बेटर है. पर अगर हम कंपेयर करें, अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें, तो हमें पता लगेगा कि मिल्क का जो पोर्शन है, उस पूरे पोर्शन का प्रोटीन हमारा बॉडी यूटिलाइज कर पाता है. जहां जो चिकन है या जो भी लीन मीट है, उसका पूरा प्रोटीन कंटेंट हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचता. यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. नहीं तो कभी भी हम अपने तौर से जो भी हम सोच लेते हैं कि ये फूड इतना हम दे रहे हैं, वो शायद हमारी बॉडी यूटिलाइज ना कर पाए. तो जितना भी फूड कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, कंजम्पशन करते हैं, दीज फूड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज के दिन सभी हमको पता है, इट्स प्रोफाउंडली नोन. और ये अवेयरनेस हम सब में है कि न्यूट्रिएंट्स की
कुछ कैटेगरीज होती हैं, लाइक देयर इज कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स के तौर पर मिनरल्स भी हैं. तो इन सारी चीजों को मिला के बनता है न्यूट्रिशनल स्टेटस. यानी कि हो सकता है कि कोई एक इंसान है जो कि अच्छा खाना खाता है, ठीक है, इनफ क्वांटिटी उसकी काफी है, पर हो सकता है कि उतनी क्वांटिटी लेने के बाद भी उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कम है. ऐसा कैसे हो गया? जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊं, सोच लेते हैं कि किसी को रोटी खाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने जो है 6-7 रोटियां उन्होंने खा ली और उन्हें लगा कि रोटी तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अगर मैं रोटी खाऊंगा तो ये कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी को मिलेगा और अल्टीमेटली इससे मेरा मसल बिल्ड होगा, क्योंकि मसल को कार्ब्स चाहिए, मसल को ग्लाइकोजन ग्रो करना होता है. तो ये सोच के उन्होंने जो है कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन किया, पर अगर उस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में विटामिन्स नहीं हो, उस कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए अगर बॉडी के पास मिनरल्स और विटामिन्स नहीं हो, तो वो कार्बोहाइड्रेट कभी भी बॉडी यूज नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए न्यूट्रिशनल स्टेटस का समझना इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिएंट्स खा लेने से ही ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें हमें मिल जाती हैं. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग न्यूट्रिशनल स्टेटस होते हैं, सो दैट वी मस्ट कंसिडर कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंसान को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो हमें ये सोचना होगा कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है सही रहे. द सब्सटेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम द फूड व्हिच वी ईट, ईटिंग हेल्दी फूड एंश्योर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. हाँ, ये बात तो सही है कि अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो है सही मात्रा में लें, उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में सही तरीके से हो, तो डेफिनेटली बॉडी में ग्रोथ और हेल्थ दोनों ही हमें देखने को मिलेगा. तो फूड अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो हमें दिखता है कि कुछ फूड होते हैं जो कि एनर्जी गिविंग होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से जो है बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाता है. वही बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? जो कि प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, जो कि हमारी मसल मास को बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा भी जो है रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, जिसमें मोस्टली विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं, जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि इम्यूनिटी देते हैं कि कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, कभी कोई हमें कोई बीमारी हो गई, तो प्रोटेक्शन फॉर दैट इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स. तो ये सारी जो मटेरियल्स हैं ये हमारी बॉडी कहाँ से मिलते हैं? इनको इनको फूड से ही मिलते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट अमाउंट ऑफ फूड जो है हम कंजम्पशन करें और ये भी देखें कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कितना है और कैसा है. अच्छा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फूड सिलेक्शन. अब क्या होता है कि सभी के लिए जो है फूड का मतलब एक नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल एनवायरमेंट, यानी कि कोई हो सकता है पहाड़ों पर रहते हैं, कोई हो सकता है कि समुद्र के पास रहते हैं, तो दिखेगा कि लोकेशन, क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग जो है फूड की कैटेगरीज या फूड का सिलेक्शन चेंज होता है. ऑब्वियसली जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उनके लिए फैट कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है. वहीं जो लोग नॉर्मल प्लेन रीजन में रहते हैं ना, उनके लिए देखा जाए तो फैट का यूटिलाइजेशन बॉडी में थोड़ा सा होना मुश्किल है. तो इसीलिए क्या होता है कि फूड सिलेक्शन जो है एनवायरमेंट के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि किसी को हो सकता है कि खाने का कोई पर्टिकुलर स्मेल पसंद है, अरोमा पसंद है, किसी को हो सकता है एक पर्टिकुलर टेस्ट या टेक्सचर पसंद है, क्रिस्पी खाना पसंद है या फ्राइड खाना पसंद है, किसी को बॉइल्ड पसंद है, और हंगर. सबकी बॉडी में जो है हंगर लेवल अलग होता है, यानी कि भूख वो सबकी अलग होती है. अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो डिमांड है वो अलग है. सो इफ वी सी कि हंगर सिग्नलिंग इज अ पाथवे. हंगर सिग्नलिंग पाथवे मींस कि बॉडी क्रेव करता है, बॉडी डिमांड करता है कि मुझे इतना कैलोरी चाहिए. अगर आप नहीं कंजम्पशन करते हैं उतना कैलोरी, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? क्रेविंग्स लाएगी. क्रेविंग्स लाएगी मींस आपको बहुत मतलब यू विल हैव दिस क्रेविंग कि मुझे ये फूड तो खाना ही है, आज तो कुछ मीठा खाना ही है, या आज तो कुछ ऑयली खाना ही है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में सटाइटी नहीं आती, हमारा जो हंगर है वो कैरी ऑन होता है, हम किसी भी तरीके से हमारे हंगर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते. तो ये सारी चीजें जो है हम धीरे धीरे समझेंगे, हमारे जितने भी मॉड्यूल्स आएंगे उसमें.
सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. बहुत समय क्या होता है, सुपरस्टिशन या रिलीजियस बिलीव होता है या ट्रेडिशनल या कोई टैबू होता है कि नहीं ये आपको नहीं खाना है, ये आपको खाना है, आज के दिन नहीं खाना है, इस समय नहीं खाना है ना. तो इस तरीके से भी क्या होता है कि हमारा जो फूड सिलेक्शन है वो कम ज्यादा चेंज होता रहता है, हम स्टिक नहीं कर पाते. इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि लोग जो है डिफरेंट क्लासेस से आ रहे हैं, किसी के पास काफी अमाउंट ऑफ मनी है तो वो कोई भी फूड खरीद पाते हैं, बहुत जनों के पास नहीं होता है तो वो नहीं खरीद पाते हैं. सो एज अ रिजल्ट कभी भी हम फूड को ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे लोग एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, है ना. तो ये सारे फैक्टर्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके के फूड हैबिट्स हमें देखने को मिलते हैं. साइकोलॉजिकल, एडुकेशनल, कल्चरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कितना हमें खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए. कल्चरल रोल भी होता है कि बहुत सारे कल्चर्स में होता है कि आपको इसी तरीके का खाना खाना है ना. सो एज अ रिजल्ट फूड सिलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखेंगे कि जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनमें ये हंगर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने अगर बोल दिया कि आप कम खाइए या ये चीज आप मत खाइए, है ना, तो उससे हो सकता है कि उस पर्सन में जो है उसका हंगर सिग्नलिंग बंद नहीं हुआ. तो आप कुछ भी कर ले, उस पर्सन का अगर आप हंगर सिग्नलिंग बंद नहीं कर सकते तो उसकी बॉडी में कभी भी जो है फैट लॉस आपको नहीं दिखेगा. इसीलिए हंगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हंगर होता है ना उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ स्टार्वेशन है. कि स्टार्वेशन मतलब हमने खाना नहीं खाया, तो जिस जितने फेज में हमने खाना नहीं खाया बॉडी क्या करेगी, बॉडी के पास जो भी न्यूट्रिएंट्स थे बॉडी उसको यूज करेगी. एंड आफ्टर अ पॉइंट जब सारे स्टोर्ड वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तब हमारी बॉडी ये हंगर फील करेगी, ये हंगर सिग्नलिंग जनरेट करेगी. तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक फूड अगर हम खाते हैं वो कितनी देर तक हमारे बॉडी में रहेगा, कितनी देर तक हमारे हंगर को सेटिस्फाई करेगा. अच्छा, कुछ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स भी होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि एडुकेशन हो सकता है, इकोनॉमिक कल्चर हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है ना. तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, हमारी फूड सिलेक्शन पैरामीटर्स को चेंज करेंगी. हो सकता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चॉइसेस हमें देखने को मिले. सोशियो कल्चरल यानी कि जो कल्चर है हमारे, पता है कि हमारे यहाँ पे ना हमारे देश में बहुत तरीके के कल्चर्स हैं, बहुत वैरिड हमारा डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया का. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों में ना फूड को लेके बहुत सारे कल्चरल गाइडलाइंस होते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर फूड खाना है, या आपको जो है कोई डीप रूटेड अगर आप फूड खाते हैं तो ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं. मील पैटर्न्स भी होता है कि अगर आप जो है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में है या कल्चर में है तो वहां पे उस पर्टिकुलर कल्चर के लोग ये वाला मील पैटर्न जो है फॉलो करते हैं. तो इस हिसाब से हमें अलग अलग लोगों में ये कल्चरल डिफरेंसेस मिलेंगी. टेस्ट भी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि टेस्ट में क्या आ जाएगा, टेक्सचर, टेम्परेचर, ये सारी अरोमा, ये सारी चीजें जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं. किसी को हो सकता है कि अरोमा या स्मेल ऑफ द फूड इतना ज्यादा बॉदर नहीं करती उनको, जो भी आप खाना दे दो वो सिंपली खा लेंगे. अब ये भी हो सकता है कि किसी को जो है अरोमा बहुत ज्यादा उसको ट्रिगर करता है कि नहीं ऐसा स्मेल वाला खाना मैं नहीं खा सकती, या ऐसा टेक्सचर वाला, ऐसा स्लाइमी टाइप का खाना हम लोग नहीं खा सकते. तो इसीलिए क्या होता है, पर्सन टू पर्सन जो है वेरिएशन आने लगते हैं. तो हम जब कभी भी किसी को बोलते हैं ना कि आप ये वाला न्यूट्रिएंट ले लीजिए, ये खा लीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ये सुन लें कि उनको पसंद क्या है, क्योंकि उनकी पसंद के अकॉर्डिंग ही हमें डिजाइन करना पड़ेगा, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग ही हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ऐसी चीज दे सकते हैं जो उन्हें पसंद भी हो और उसमें सारी न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी उन्हें मिले. एज एज इन्फ्लुएंस आवर चॉइस ऑफ फूड फॉर अ लार्जर एक्सटेंट. तो ये हम पता देखते ही हैं हर समय कि अगर डिफरेंट एज ग्रुप है, कोई 14-15 इयर्स का कोई बच्चा है या कोई 40-50 इयर्स का कोई अगर इंसान है, तो दोनों की जो है फूड चॉइसेस अलग होती हैं. किसी को हो सकता है कि बाहर का जंक खाना पसंद है या आइसक्रीम या स्वीट क्रेविंग्स ज्यादा है, और जो थोड़े ओल्ड एज होते हैं उनको हमेशा हल्का खाना पसंद होता है ना. तो एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम कौन से एज के इंडिविजुअल को किस तरीके का फूड दे सकते हैं. फास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि क्या होता है कि फास्टिंग से ना हमारी बॉडी में काफी अच्छी चीजें होती हैं. जैसे कि हमारी बॉडी को एक टाइम मिलता है जहां बॉडी खुद को रिकवर कर सके.
जहां बॉडी खुद को जो है डिटॉक्सिफाई कर सके। तो फास्टिंग हमारे कल्चर्स में, हमारे रिलीजन्स में काफी पहले से है। तो हो सकता है कि कभी कोई कल्चरल इवेंट हो गया, कभी कोई फेस्टिवल हो गया, जहाँ पे कोई रिचुअल हो गया कि यहाँ पे आपको फास्टिंग रखना है। तो हम देखेंगे कि हमारे कल्चर में ये बहुत पहले से है। तो फास्टिंग के कई फायदे हैं, तो ये हम धीरे धीरे जैसे हमारा कोर्स फॉलोअप होगा हमें देखने को मिलेगा कि फास्टिंग से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो कब नहीं करना है और कब करना है ये भी हमें समझ आएगा। मिल्क जो है एक बहुत ही अच्छा फूड माना जाता है, इनफैक्ट कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि हमने जितनी भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया ना कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें जो है मिल्क में होती हैं। तो ये मिल्क को इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा कंप्लीट फूड है। तो फास्टिंग के दौरान देखा गया है कि जो स्वीट क्रेविंग है, जो डिप्राइवेशन है, जो स्वीट के अगेंस्ट जो हमारा जो लाइकिंग है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत समय ना आप देखोगे कि अगर बच्चों को हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप ये काम करो तो हम आपको क्या करेंगे, आपको हम लोग स्वीट देंगे, आपको हम मिठाई खिलाएंगे या चॉकलेट देंगे, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा वो काम झट से कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके ब्रेन में ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे मीठा खाने को मिलेगा। तो मीठा एक ऐसी चीज है ना जो हमारी बॉडी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ट्रिगर करता है, हमको अच्छा लगता है। ये जो सेंसेशन है स्वीटनेस का, ये हम सबको पसंद आता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को स्वीट्स बड़े पसंद होते हैं। तो अगर किसी को हम लोग मना कर दें कि आपको एकदम भी मीठा नहीं खाना है, आपको पूरी तरीके से आपको स्वीट्स या स्वीट रिलेटेड कोई भी चीजें बंद कर देते हैं, तो उस पर्सन की बॉडी में क्या हो जाएगा, उसको लगेगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो एक पनिशमेंट हो गया, है ना। तो हमारे ब्रेन को अलग अलग फूड से, अलग अलग टेस्ट से, अलग अलग टेक्सचर से जो है खुशी भी होती है और दुख भी होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट को या कोई भी इंडिविजुअल अगर आपके पास आता है कि मुझे वेट लॉस करना है क्या करें, तो अगर आप बोल देते हैं कि आप स्वीट मत खाइए, तो हो सकता है उसकी बॉडी उसको ना मान पाए। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि नहीं ठीक है आप स्वीट ये मत खाइए, ये वाला स्वीट खा लीजिए। कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग दे सकते हैं, बहुत सारे नेचुरल ऐसे स्वीट्स जैसे कि गौरगम है, तो ये क्या होता है ये खाने में तो स्वीट होते हैं पर इससे कैलोरीज नहीं आती। तो इस तरीके से हम उन पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। सोशल वैल्यूज, सोसाइटी में वी विल गेट टू सी कि देयर आर मेनी बिलीव्स कि सोसाइटी में ये होता है कि रागी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये लीफी वेजिटेबल्स या ये सारी चीजें कौन खाएगा, तो इट दे आर कंसिडर्ड एज पोअर मैंस फूड कि जिसको खाना नहीं मिलता वो ये सब घास फूस ये सब खाते हैं। पर ऐसा है नहीं, क्यों? क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है जो शायद हमें कोई भी फैंसी खाने में ना मिले। कोई भी बेकरी से हम लोग केक खरीद के ला रहे हैं या हम कोई फैंसी कोई हम लोग डिश बना के खा रहे हैं, उसमें जितनी अच्छी चीजें हमें नहीं मिलती हैं वो सारी चीजें हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाती हैं। तो ये जो हमारा बहुत तरीके से सोशल बिलीव होता है कि ये चीजें नहीं खाते हम तो खाली यही वाली चीजें खाते हैं, दिस इज नॉट गुड, ये अप्रोच हम नहीं रख सकते। रिलीजियस या कल्चरल टैबूज होते हैं, तो जैसे मेनी टाइम्स हम लोग देखते हैं ना कि हिंदू कल्चर में क्या है कि दे डू नॉट ईट बीफ, और जो जैन्स होते हैं दे डू नॉट ईट एग, एंड इस्लाम दे डू नॉट कंज्यूम पॉर्क। तो इसमें हमें क्या देखा कि रिलीजियस भी बहुत सारे बिलीव्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फूड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे कुछ कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बन सकती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनका रिलीजियस बिलीफ क्या है और उससे क्या क्या चीजें उनकी बॉडी में नहीं पहुंच पा रही हैं, और उन चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। साइको सोशल फैक्टर्स, सो फूड इज अ सिंबल ऑफ सिक्योरिटी। तो ये क्या होता है ना कि जब हमारे पास खाना होता है या हमें पता है कि हाँ हम खाना खरीद सकते हैं या मिल सकता है हमें, सो वी फील सिक्योर्ड। और जब कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास नहीं है फूड अवेलेबल, तो हमें लगता है कि अरे नहीं हमारा तो सिक्योरिटी नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल शायद इशू हमारे दिमाग में आ सकता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो फूड का होना ना होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेलबींग के लिए। मिल्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी। अगर कोई छोटा सा बच्चा है ना, उसको आप काफी देर तक मिल्क मत दीजिए, तो उसकी बॉडी में भी यही वाली सिग्नलिंग आएंगी, उनको भी ऐसा ही लगेगा कि ये क्या हो गया, कि क्यों नहीं मिल रहा है मिल्क, क्या कोई सिक्योरिटीज इशू है, क्या प्रॉब्लम है।
तो हम क्या करते हैं, हम बहुत समय खाना खाने से मना कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी नहीं ले पाती है फूड. हो सकता है हम कोई स्ट्रेस में है, हो सकता है कोई शॉक में है, डिजास्टर में है, तब भी हमारी बॉडी खाना खाने से मना कर देती है. हेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट. अब हेल्दी डाइट हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली ये ग्रोथ में हेल्प करेगा, बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से बचाएगा, वो सारी चीजें तो है ही है. अदर देन दैट, अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारी लाइफ स्पेन बढ़ती है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमारा गट अच्छा रहता है, एंड वी ऑल्सो गेट एनर्जी. जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी एनर्जी हमें मिल पाती है, एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस कि हमें लगता है कि नहीं, हम लोग ठीक है, हम लोग हेल्दी हैं, आई एम हैप्पी, ये वाली फीलिंग आती है. एंड एट द सेम टाइम अगर अनहेल्दी डाइट हम फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे डिजीजेस तो डेफिनेटली आएंगी, लाइक कार्डियक डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, लाइक डिप्रेशन. तो हमें डिप्रेशन भी हो सकता है. हाँ, ये होता है. ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर बहुत ही ज्यादा फैंसी खाना खाते हैं तो हमें डिप्रेशन नहीं आएगा. डिप्रेशन हमें खाने के पैटर्न्स से आ सकता है. तो साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिनको ऑटिज्म होता है ना, या जिनको कोई न्यूरल प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी देखा गया है कि हेल्दी खाना बहुत उनकी ब्रेन को आराम देता है, ब्रेन को अच्छा रखता है. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक कंपैरिजन है. ये दिख रहा है हम सबको कि ये तो है फ्रूट जूस है ना. तो एक तो है हमारा पैकेट वाला फ्रूट जूस और दूसरा है हमारा जो हम लोग बना सकते हैं, यानी कि होममेड, जैसे कि कोई मिक्सी में हमने जूस बना लिया घर पे, या जूसर में बना लिया, है ना. तो अगर हम सोचें कि इन दोनों चीजों में कौन सा अच्छा है, मार्केट में तो जूस बना बनाया मिल जाता है, तो घर में जूस बना के पिए या मार्केट का पिए, वन या टू, कौन सा सही होना चाहिए? चैट में आप लिख के बता सकते हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप चैट में अगर थोड़ा लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है कि वन होना चाहिए या टू होना चाहिए. ओके, गायत्री जी ने बताया है वन. ओके, अच्छा, तो एकदम सही, आपने सही बताया कि ये वन होना चाहिए. घर में बनाया हुआ जूस या जूसर में बनाया हुआ जो जूस होता है वो जनरली हमारे लिए अच्छा होता है. पर क्वेश्चन ये है कि अच्छा क्यों होता है. तो अगर हम देखें कि घर में अगर आप कभी जूस बनाए ना, तो अगर आप उसको पियेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि उसमें कुछ दाने दाने जैसा कुछ चीज आपको मुंह में फील होता है. पर अगर आप वही जूस, अगर आप सोच लीजिए वही सेम जूस अगर आप मार्केट से लेके आते हैं, जैसे कि आपने ऑरेंज जूस बनाया, आपने जब उसको कंजम्पशन किया, उसको पिया, तो आपको पता लगा कि थोड़े जैसे कुछ रफ है जूस, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़ा दाना दाना कोई ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर है उसमें. पर द सेम जूस व्हेन यू आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट एंड यू कंज्यूम इट, तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि ये तो बहुत स्मूथ है, खाने में एकदम बहुत उसको हमें लगता है कि डिलीशियस भी है और स्मूथ भी है. तो ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ प्लांट फाइबर्स. प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं वो घर में बनाए हुए जूस में रहते हैं, और जो मार्केट से हम जूस लेके आते हैं उसमें नहीं रहते हैं. अब जो घर में बनाया हुआ जूस है उसमें जो फाइबर है ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, जिनको ओबेसिटी है, फैट जिनके बॉडी में ज्यादा है, उनके लिए भी जो है बहुत बेनिफिशियल होता है ये वाले फाइबर्स. इन फाइबर्स को जनरली हम लोग जो है ना सल्यूबल फाइबर्स बोलते हैं, और सल्यूबल फाइबर्स हमारे गट लाइनिंग को हेल्दी रखता है. और अगर हम जो आर्टिफिशियल वाला है जो मार्केट से लिया हुआ है, अगर उस जूस की बात करें, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग जूस को खाली टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो वो इन फाइबर्स को हटा देते हैं, तो ये जो हेल्दी फाइबर्स थे वो हम तक आए ही नहीं, वो हमें मिले ही नहीं. तो वो हेल्दी फाइबर्स हमको नहीं मिल पाते. एंड इसके अलावा भी क्या करते हैं, जो पैकेट वाले जो जूसेस होते हैं ना, वो लोग मेनी अ टाइम्स शुगर ऐड करते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है, पर उसमें जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर होता है. अगर आप देखोगे ना फूड लेवल, तो यू विल गेट टू सी कि वहां पे शायद लिखा नहीं है कि शुगर है या सुक्रोज है, पर हो सकता है वहां पे लिखा है कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, तो वो भी एक तरीके का शुगर है. तो कंपनीज ये चीजें करती हैं, वो ऐसे सेम अमाउंट ऑफ चीज आपको देगी, हो सकता है कि शुगर ना देके शुगर से भी खराब चीज आपको दे, पर वो आपके जो रिटर्न में जो आता है, जो फूड लेवलिंग में आता है, वहां पे हम लोग समझ नहीं पाते.
तो एज अ रिजल्ट देखा गया है कि घर में बनाई हुई चीज जैसी भी हो वो इन कंपैरिजन स्टोर या मार्केटेड चीजों से अच्छी होती है। अच्छा नाउ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो अगर किसी भी इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है यानी कि उसकी बॉडी में सारी न्यूट्रिएंट्स पहुंच रही है, द बॉडी इज गेटिंग ऑल द विटामिन्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द मिनरल्स, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल स्टेटस सही है। जितना गाइडलाइन है ना, जिसको हम लोग आरडीए गाइडलाइन बोलते हैं कि आपको रोज जो है इतना अमाउंट कार्ब्स खाना है, रोज जो है आपको इतना अमाउंट कैल्शियम खाना है, तो वो सारी जो गाइडलाइंस है उसको अगर हम फॉलो करें तो हम किसी भी इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। और इसी चीज को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जहां पे जितना रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली उतनी सारी चीजों को मिला के हमने एक बैलेंस डाइट बनाया हुआ है। साइंस ऑफ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो अगर किसी भी इंसान से हम मिलते हैं ना, हमें एक बार देख के पता लग जाता है कि इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, यानी कि जो इंसान सही तरीके से न्यूट्रिशन टेक करेगा उसका जो है हेयर बहुत शाइनी होता है, स्किन बहुत अच्छा होता है, ब्राइट होता है, स्मूथ होता है, आंखें बहुत चमकीली सी होती है, क्लियर होती है, एंड अलर्ट एक्सप्रेशन, हमेशा जो है एनर्जेटिक रहता है, एंड गुड डेवलप्ड बोन, बोन डेवलपमेंट सही है, बॉडी वेट रेशियो सही है। तो हम सामने जाके हम लोग देखेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये इंसान हेल्दी है या नहीं है, तो उसके लिए हम उसका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ पे ये हाइट वेट रेशियो हम लोग देखते हैं, तो हाइट वेट रेशियो किसी का सही है कि हाँ इतने हाइट में इतना वेट होना चाहिए, ये अगर किसी का सही है यानी कि हम बोल सकते हैं कि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल स्टेटस भी सही है। अच्छा, न्यूट्रिशन सही होने से स्टेमिना बना रहता है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को राइट एनर्जी मिलती है, बॉडी यूटिलाइज कर पाते हैं एनर्जी को। रेगुलर स्लीप या रेगुलर एक्सक्रीशन होना जरूरी है। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि स्लीप क्या होता है ना, अगर सोच लें कि घर में हम लोग लाइट जला के रख देते हैं, दिन में भी लाइट जल रहा है, रात में भी लाइट जल रहा है, अगर ऐसे कंडीशन में हम रहे तो क्या होगा, हमें हमारी बॉडी को कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली नींद आ ही जाएगी। और अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि कब आती है नींद, रात होने पे। हो सकता है आपको दिख भी नहीं रहा है कि रात हो गया है, पर फिर भी आपको नींद आ जाएगी। आप अगर 12 बजे खाते हैं, सोच लीजिए दोपहर को, तो क्या होगा कि आपको हर दिन 12 बजे ही भूख लगेगी, है ना? तो ये कैसे होता है, दिस इज अ क्लॉक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, कि बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है कि मुझे इस समय सोना है, इस समय उठना है, मुझे इस समय भूख लगेगी, तो ये बॉडी का एक सिग्नलिंग पाथवे है। तो वैसे ही अगर हमारा नींद कंप्लीट नहीं होता है, अगर हमारा स्लीप कंप्लीट नहीं होता है, तो ये जो क्लॉक चल रहा था ना, ये क्लॉक ब्रोकन हो गया, ये टूट गया क्लॉक। तो एज अ रिजल्ट हमारे जो बाकी जो चीजें थी, हमारा स्लीप के साथ क्या क्या रिलेशन है, स्लीप के साथ रिलेशन होता है एनर्जी, स्टेमिना, फूड हैबिट्स, न्यूट्रिएंट रेगुलेशन, वो सारे साइकिल्स जो है टूट जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो स्लीपिंग आवर है, जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है, उसको सही रखें। एक्सक्रीशन हैबिट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी टाइम्स हम देखते हैं ना कि बहुत लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है या आईबीएस का इश्यू होता है, कि हमेशा लगता है कि डायरिया टाइप का सिचुएशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि हमारा गट हेल्दी नहीं है। गट क्यों हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमारे फूड हैबिट्स हेल्दी नहीं है। तो जैसे ही हमारे फूड हैबिट्स हेल्दी होंगे, गट हेल्दी रहेगा, एक्सक्रीशन हैबिट्स भी सही रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो जैसा हमने देखा था ना कि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव भी होते हैं। देयर आर प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स का काम क्या था, हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करना। तो अगर हम लोग सही खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली काफी सारे डिजीजेस को खुद ही रोक सकती है। पोर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज वाइस वर्सा ऑफ द अबव। हाँ, तो ये सारे जितने भी हमने अच्छे गुण अभी डिस्कस किए, तो ये सारी होती है किन में, जिनका फूड हैबिट सही है, जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल स्टेटस सही है। इन केस द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज नॉट मेंटेन, नहीं हो रहा है न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन, यानी कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स सही नहीं है। हो सकता है ना कोई पर्सन जो है देखने में काफी ओबेस है, यानी कि बहुत खाना खाता है, बहुत उस पे दिख रहा है कि ओबेसिटी है उस पर्सन को, तो हम सोच ही सकते हैं कि अरे इसमें तो मैल न्यूट्रिशन हो ही नहीं सकता बिकॉज द पर्सन लुक्स हैवी। पर ओबेसिटी में भी मैल न्यूट्रिशन होता है, उनके पास भी न्यूट्रिएंट्स सही प्रेजेंट नहीं होती है। अब ऐसा कैसा हो गया,
कौन सी न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, मोस्टली उनकी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स का एक क्रॉनिक डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप देखने में बड़े हट्टे कट्टे हैं, दैट विल नॉट डिफाइन मैल न्यूट्रिशन। किसी हेल्दी दिखने वाले इंसान में भी मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों को ही हम लोग मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। कोई बहुत ज्यादा दुबला है, उसमें मसल मास नहीं है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मैल न्यूट्रिशन। और उसी समय कोई अगर ऐसा इंसान है जो काफी ओबेस है, काफी बल्की है, पर उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, विटामिन्स कम है, मिनरल्स कम है बॉडी में, तो उनको भी हम लोग मैल न्यूट्रिशन ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये एक पिरामिड है जिसमें जिसको हम लोग फूड पिरामिड कहते हैं। फूड पिरामिड में हमें क्या दिखता है कि कौन सी चीजें हम कितना खाएं। जैसे कि अगर हम लोग ये लास्ट वाला रो देखें ना पिरामिड का, तो इसमें क्या है, ब्रेड, व्हीट, ओट्स, यानी सारी सीरियल्स हैं, पास्ता, राइस, सारे सीरियल रिच फूड है। तो सीरियल रिच फूड क्या होता है, दे बेसिकली दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट का हमारे फूड में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि कार्ब्स बंद कर देते हैं, कार्ब्स कम कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि कार्बोहाइड्रेट खाली जो है राइस या व्हीट में नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स में भी होती है, फ्रूट्स में भी होता है, मिल्क में भी होता है, और कुछ हद तक जो है हमारे फैट सोर्सेस में भी होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कार्ब्स पूरी तरीके से बंद कर दें, दैट इज नेवर पॉसिबल। और एज पर अ नॉर्मल हेल्दी गाइडलाइन, हमारे खाने का एटलीस्ट 50-55% फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल कार्ब होना ही चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा हमने क्या डिस्कस किया, दैट कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग फूड। तो अगर काम करना है, अगर एक्सरसाइज करना है, हेल्दी रहना है, तो एनर्जी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो उसी एनर्जी के लिए हम लोग कार्ब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ऑन अ लार्जर पोर्शन। उसके बाद आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इनके पास जो है कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ हद तक प्रोटीन होगा, ज्यादा इनके पास हमें जो मिलेगा वो है विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमें और कहीं से इजीली नहीं मिलता। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से विटामिन और मिनरल हमें मिल जाएगा। इसके अलावा भी हमें मिलेगा फाइबर। हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किया ना फ्रूट जूस वाला, कि क्यों घर का फ्रूट जूस अच्छा था, बिकॉज इसके पास फाइबर था। तो यही फाइबर हमें प्लांट्स और फ्रूट्स में मिलता है, प्लांट बेस्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में हमें मिलेगा। तो फाइबर जब हमारी बॉडी में आएगा ना, फाइबर जब हम कंजम्पशन करेंगे, तो बॉडी को बेनिफिट्स डेफिनेटली होते हैं। जिनको वेट लॉस करना है, जिनको कोई डिजीज है, हार्ट डिजीज है, लिवर डिजीज है, ओबेसिटी, डायबिटीज है, उन सबके लिए जो है ये प्लांट बेस्ड फाइबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए फाइबर्स एंड वेजिटेबल्स रिच फूड को भी हमारे खाने में काफी ज्यादा पोर्शन हमें कंसिडर करना पड़ता है। अदर देन दैट, मिल्क, चीज, योगर्ट, यानी कि जो हमारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे मीट, पोल्ट्री, फिश, तो जो प्रोटीन सोर्सेज है ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग ये एशियन पॉपुलेशन की बात करें ना, हमारी इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखा गया है कि प्रोटीन जितना चाहिए होता है, 50% पॉपुलेशन उतना प्रोटीन कंजम्पशन नहीं करते। तो प्रोटीन डिफिशियंसी एक मेजर डिफिशियंसी है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि प्रोटीन जो है राइट अमाउंट में पर्सन को मिले। और मिल्क, चीज, योगर्ट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, तो अगर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स अगर पर्सन जो है बॉडी यूज कर सकता है, यानी कि बहुत जन को होता है ना कि मिल्क एलर्जी होता है, मिल्क सूट नहीं होता है, उनकी बात अलग है, पर अगर आपकी बॉडी मिल्क सूट कर पाती है, तो इंक्लूडिंग मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंप्लीट फूड है। यहाँ पे हमें गुड फैट मिलेगा, यहाँ पे हमें गुड मिनरल्स मिलेंगे, और यहाँ पे गुड विटामिन्स मिलेंगे। तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। और सबसे ऊपर आता है हमारा बटर, फैट्स, क्रीम, ऑयल, स्वीट्स एंड शुगर्स, यानी कि ये हमें सबसे कम अमाउंट में कंजम्पशन करना है, तो ये वी मस्ट यूज इट स्पेरिंगली। तो बहुत कम अमाउंट में, जितना कम हो सके उतनी अमाउंट में हम लोग इसको यूज करेंगे, राइट? तो इस तरीके से, इस पिरामिड के हेल्प से हमें समझ में आ गया कि हमारा अगर कोई प्लेट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा सेक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट का, फिर आएगा वेजिटेबल्स, देन प्रोटीन, देन मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद आएगा हमारा शुगरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम अपना प्लेट डिजाइन कर सकते हैं।
तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये जितनी भी चीजें हमने देखी कि हमारा जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, इन सबसे हमें मिलता क्या है, तो इन सबसे हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर. वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर को हम लोग जनरली न्यूट्रिएंट बोलते नहीं हैं, पर वाटर अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो कोई भी न्यूट्रिएंट काम नहीं कर पाएगा. बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो काम नहीं कर पाएगा. इसलिए वाटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक एनी अदर न्यूट्रिएंट. हाँ, तो ये आ गया हमारा बैलेंस्ड प्लेट. तो हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी प्लेट अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो उस प्लेट में एक बड़ा सेक्शन होना चाहिए हमारा कार्बोहाइड्रेट का, और उसके बाद आएगा हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो मोस्ट ऑफ द प्लेट इज फिल्ड बाय कार्ब्स एंड वेजिटेबल्स. और उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन सोर्सेस. तो प्रोटीन सोर्सेस में हमारे पास डेयरी प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, मिल्क से जो प्रोटीन मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, मीट, फिश, एग, या तो कोई और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि चना हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया. तो इस तरीके का प्रोटीन भी हम लोग कंजम्पशन कर सकते हैं. और सबसे स्मॉल अमाउंट में हम लोग लेंगे शुगरी एंड फैटी फूड्स. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फूड एक्सचेंज की. तो अब तक तो हमने ये समझा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमारे पास क्लियर है. अभी हमें ये समझना है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप इतना परसेंटेज कार्ब खाइए, तो द पर्सन विल आस्क कि कार्ब मतलब क्या, राइस? राइस तो मुझे पसंद नहीं है. तो आपने बोला कि ठीक है, आप रोटी खा लीजिए. बोलते नहीं, रोटी भी मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है. तो ऐसा हो सकता है, ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन है. तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे फूड एक्सचेंज. तो फूड एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाला खाना दे रहा हूं, अगर मैं राइस दे रही हूँ कि इतना राइस आप खाइए, एंड उस पर्सन को ये वाला फूड पसंद नहीं है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उस राइस पोर्शन को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं किसी और कार्बोहाइड्रेट सोर्स से. तो इससे क्या होगा कि रोज एक ही तरीके का खाना नहीं खाना पड़ेगा. आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में कार्ब्स दीजिए, पर अलग अलग ऑप्शंस में दीजिए. दैट कैन बी डन. तो इसको करें कैसे, तो प्रैक्टिकली जब हम ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है फूड एक्सचेंज का. तो फूड एक्सचेंज है क्या, ये बेसिकली एक लिस्ट है जहां पे डिफरेंट तरीके के फूड आइटम्स मेंशन होते हैं, और इन फूड आइटम्स को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. देयर आर 9 फूड ग्रुप्स जिनको हमने इन फूड एक्सचेंज लिस्ट में बनाया हुआ है. सो व्हाट आर दिस कैटेगरीज, तो ये कैटेगरीज मोस्टली वेजिटेबल्स होती हैं, फैट होता है, फैट रिच फूड होता है, प्रोटीन यानी कि मीट रिच फूड होता है, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं. तो ऐसी 9 कैटेगरीज है जो हम देखेंगे. तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी डाइट डिजाइन करना है, कोई भी अगर हमें डाइट प्लान डिजाइन करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फूड की जगह हम बहुत सारे ऑप्शंस उस पर्टिकुलर इंसान को बोल सकते हैं, दे सकते हैं. और इन ऑप्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फूड एक्सचेंज लिस्ट का होना जरूरी है. ठीक है, तो बेसिकली फूड एक्सचेंज लिस्ट होता क्या है, इसमें 9 फूड ग्रुप्स हमें मिलेंगी जो कि एक ही कैटेगरी या एक ही न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन की होंगी. जैसे कि सीरियल्स के लिए हमें एक फूड एक्सचेंज ग्रुप मिलेगा, वेजिटेबल्स के लिए एक फूड एक्सचेंज ग्रुप हमें मिलेगा. तो ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं, इन सब में न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन जो है वो सिमिलर होता है. यानी कि अगर हम लोग सीरियल्स की बात करें, तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो राइस ले लेते हैं, या पोहा लेते हैं, या वर्मिसली लेते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन है. तो ये सारे ऑप्शंस जितने भी मैंने बताए, ये सारे किसके अंदर आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आएंगे, सीरियल्स के अंदर आएंगे, है ना. तो एक्सचेंज ग्रुप में अगर हम लोग सीरियल का फूड एक्सचेंज देख रहे हैं, तो उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक जगह, प्रोटीन का अगर फूड एक्सचेंज देख रहे हैं, तो सारे प्रोटीन सोर्सेस एक जगह, ये मेंशंस होते हैं. और हमें क्या करना होता है, हमें इसी एक्सचेंज लिस्ट में से सब्स्टिट्यूट ढूंढना होता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर राइस नहीं खाना है, तो इतने राइस के अगेंस्ट में मैं कितना पोहा उनको बोल सकती हूँ, या इतना राइस अगर आपको नहीं खाना है, तो इसके अगेंस्ट में आप कितनी रोटियां खा सकते हैं. तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो करती हूँ, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. तो यहाँ पे वो 9 सब ग्रुप्स हैं, जैसा हमने डिस्कस किया ना कि फूड एक्सचेंज 9 डिफरेंट सब ग्रुप में मिलेंगे. तो जैसे यहाँ पे है हमारा वेजिटेबल एक्सचेंज, तो वेजिटेबल्स को ना मेनली
दो कैटेगरीज में यहाँ पे दिखाया गया है, एक है वेजिटेबल एक्सचेंज ए एंड दूसरा है वेजिटेबल एक्सचेंज बी। तो ए में आता है किस तरीके की वेजिटेबल्स हमें मिलेंगे, मोस्टली जिनमें कार्ब्स कम है, जो कि लीफी वेजिटेबल है, जैसे कि पालक हो गया, फिर हमारा क्रूसीफेरस जो भी वेजिटेबल है, जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, वो सारी आएंगी हमारी वेजिटेबल ग्रुप ए में, यानी कि वेजिटेबल एक्सचेंज ए में। वेजिटेबल एक्सचेंज बी में कौन से तरीके के फूड आते हैं, इसमें आते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट रिच है, यानी कि ऐसा कोई फूड जिसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि बीट रूट हो गया या पोटैटो हो गया, राइट। तो ये होती है हमारी दो वेजिटेबल्स के ग्रुप। इसके अलावा भी फ्रूट एक्सचेंज ग्रुप, जहां पे डिफरेंट तरीके के फ्रूट हमें मिलेंगे। सीरियल एक्सचेंज ग्रुप, जहां पे डिफरेंट तरीके के सीरियल हमें मिलेंगे। पल्सेस और फ्लैश फूड, यानी कि मीट रिच बेस्ड फूड। फैट एक्सचेंज फूड, जहां पे हमें फैट, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट हमें देखने को मिलेंगे। एंड शुगर एक्सचेंज ग्रुप। तो इसको समझने के लिए एक चार्ट या टेबल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सीरियल एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है 30 ग्राम्स अनकुक्ड राइस अगर लेता है, उसको फिर कुक करके अगर कंजम्पशन करता है, खा लेता है, तो उससे कैलोरीज कितनी मिलेंगी, कैलोरीज मिलेंगी 100, ठीक है। अब सोच लीजिए, मैंने उनको बताया कि आप क्या करिए, आप 30 ग्राम जो है राइस आप कंजम्पशन कीजिए, आपको 100 कैलोरीज मिलेंगी। अब उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे राइस नहीं खाना है, तो मेरे पास अभी राइस के अलावा इतनी सारी सीरियल्स के ऑप्शन है, आई कैन यूज एनी ऑफ दीज। हम लोग चपाती यूज कर सकते हैं, ब्रेड यूज कर सकते हैं, दलिया यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे खानों के लिए जो कैलोरी वैल्यू है, देखिए, दे ऑल आर सेम, सबका कैलोरी यहाँ पे 100 है। तो अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट या सीरियल से उनको 100 कैलोरीज देनी है, तो यहाँ पे मैं या तो राइस यूज कर लूं, या अदर देन राइस आई कैन यूज एनी वन ऑफ दीज फूड आइटम्स। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि ठीक है, ये नहीं खाना है तो हम ये खा सकते हैं, इतने अमाउंट में इसको कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हम लोग ने यहाँ पे सीरियल के बारे में पढ़ा, ऐसा ही जो है प्रोटीन, फैट, वेजिटेबल्स, सबके अलग अलग एक्सचेंज लिस्ट होते हैं। आज क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसका एप्लीकेशन जो होगा ना, जो हम लोग ये यूज करेंगे पेशेंट को बोलने के लिए, या भी जो भी हमारे पास इंडिविजुअल आता है उसको बोलने के लिए, तो वो हम लोग करते हैं बाइल डाइट प्लान मेकिंग। तो एक्सचेंज लिस्ट देख के जो है डाइट प्लान बनाया जाता है। आज तो खाली इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि ये सारी चीजें यूज होती हैं डाइट प्लानिंग में। जो हमारा लास्ट सेशन होगा वो डाइट प्लान रिलेटेड होगा, वहां पे हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं मील डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी कि ये जो जितना भी हमने यहाँ पे सीरियल्स देखे हैं ना, सबके कैलोरीज तो सेम है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एब्रप्टली उनके वॉल्यूम्स भी सेम है, जैसे कि वेट भी हमें सेम दिख रहा है, 30 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली, सबके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 30 ग्राम्स हमने वेट लिया है। तो क्या होता है कि हम लोग तो कैलोरीज हमें दिखती नहीं है, वेट हमें दिखता है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि आप ठीक है, आप राइस खाइए 100 कैलोरीज के लिए, तो वो कैसे एस्टिमेट करेगा, दैट पर्सन विल मेजर द वेट। तो वो क्या कर सकते हैं, वो 30 ग्राम वेट करके वो राइस ले सकते हैं, उसको कुक कर सकते हैं एंड देन उसको खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उन्हें 100 कैलोरीज मिल जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कैलोरी कैलकुलेशन हम लोग खुद अपने पास रखते हैं समझने के लिए, पर जिनको हम लोग मील या डाइट दे रहे हैं उनके लिए हमारा ये वेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ये एक्सचेंज लिस्ट है, ये पूरी एक्सचेंज लिस्ट है सीरियल्स के लिए, जहां पे 30 ग्राम के हिसाब से ये वैल्यूज दिए गए हैं कि आप 30 ग्राम राइस लीजिए या 30 ग्राम दलिया लीजिए, तो उससे आपको इतनी कैलोरीज मिलेंगी। बहुत समय क्या होता है ना कि लोग ये भी बोल सकते हैं कि वेट कैसे करें, हमारे पास तो फूड वेइंग वाला मशीन है नहीं। तो उनके लिए हम हाउस होल्ड मेजर्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दलिया की बात करें, तो 30 ग्राम दलिया का मतलब होता है हाफ कटोरी। तो हम उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर आप यूज करना चाहते हैं दलिया, तो आप हाफ कटोरी दलिया ले लीजिए, ठीक है। तो हाउस होल्ड मेजरमेंट्स का पता होना इम्पोर्टेंट है। तो जिससे क्या होगा, हम लोग इजीली जो है लोगों को समझा पाएंगे कि आपको इतना अमाउंट में पर्टिकुलर जो है ये वाला फूड लेना है। से ब्रेड की बात करें, तो ब्रेड में आ जाते हैं 2 स्लाइसेस, तो इन 2 स्लाइसेस में ही जो है हमें 100 कैलोरीज मिल जाएंगी, है ना।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि या तो आप राइस ले लीजिए, अगर आपको नहीं लेना है राइस 30 ग्राम का तो आप 2 ब्रेड खा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस आ गए, हमारे पास भी ऑप्शंस आ गए और जिनको हम लोग डाइट दे रहे हैं वो भी खुश हो गए, उनके पास भी ऑप्शंस आ गए, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फूड एक्सचेंज लिस्ट। तो हमें दिखेगा कि ये फूड एक्सचेंज लिस्ट जो है ये 9 कैटेगरीज यानी कि 9 तरीके के खानों के लिए होती है, फ्रूट, सीरियल, पल्सेस, फ्लैश फूड, मिल्क, फैट, शुगर, और इन सब का जो हिसाब होता है वो ग्राम्स में होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन हम समझेंगे डाइट वाली क्लास में। आज हमने खाली एक रफ देखा कि डाइट प्लान बनता कैसे है ना। तो डाइट प्लान बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो सारे न्यूट्रिएंट्स को समझना कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कितना देना है या कैसे देना है, कौन से खानों से देना है, किन पे हम लोग इंसान को दे सकते हैं किनको नहीं दे सकते। जैसे कोई डायबिटीज का अगर पर्सन आता है और वो बोलता है कि मुझे चाहिए कार्ब्स, मुझे कंजम्पशन करना है, तो उनके लिए कैसे कार्ब्स दें ना, ये सारी चीजें हम लोग अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे और लास्ट में जाके हम समझेंगे कि कैसे एक्सचेंज लिस्ट को यूज करके उनके लिए हम लोग डाइट प्लान डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैट के लिए भी हमारे पास एक्सचेंज लिस्ट अवेलेबल है। तो फैट का जो हिसाब यहाँ पे दिख रहा है ना हमें, वो सारा जो है 30 स्पून से होता है, यानी कि ग्राम तो अगेन मेजर करना पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर किसी को बोल रहे हैं कि ठीक है आपको अगर बटर खाना है, अगर आपको घी खाना है, तो आप क्या कीजिए, या तो आप 1 चम्मच घी खाइए, नहीं तो आप आधा चम्मच बटर खाइए। तो ये ऑप्शंस हम लोग फैट के लिए भी दे सकते हैं। काजू, वॉलनट्स, जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी जो है बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, तो इनको हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, 10 ग्राम या 12 ग्राम इसको हम लोग मेजर आउट कर सकते हैं। तो लाइक दैट हम लोग फैट के लिए भी एक्सचेंज लिस्ट यूज कर सकते हैं, मिल्क के लिए भी एक्सचेंज लिस्ट यूज कर सकते हैं। देखिए लेग्यूम्स एंड पल्सेस के लिए भी सेम ऑप्शन है। हिसाब हमने बताया था कि हिसाब जो होता है वो ग्राम बेसिस पे होता है, सो यू सी द ग्राम अमाउंट इज सेम सबके लिए जो है 30 ग्राम का हिसाब है। और इसी ग्राम को अगर हम लोग हाउस होल्ड के लिए देखें कि घर में कैसे मेजर करें, तो उसके लिए जो है कटोरी में हिसाब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अगर बंगाल ग्राम है जिसको हम लोग काला चना बोलते हैं, अगर वो अगर लेना है तो आप क्या करिए 100 कैलोरीज के लिए यू यूज ओनली 3/4 कटोरी। और वही अगर आपको जो है राजमा लेना है तो राजमा का भी हम लोग क्या कर सकते हैं 100 कैलोरीज के लिए हम लोग 3/4 कटोरी हम लोग राजमा ले सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने अलग अलग दिन हमने अलग अलग दाल की रेसिपी उनको बोल दी कि आप किसी दिन काला चना खाइए, नेक्स्ट दिन उसी पोर्शन का आप जो है राजमा खाइए या रेड ग्राम खाइए, तो आपको कैलोरी सारी सेम मिलेगी। वेजिटेबल्स के लिए भी देखिए कि यहाँ पे जो है वेजिटेबल का भी एक्सचेंज लिस्ट अवेलेबल है। तो वेजिटेबल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेजिटेबल की जगह दूसरे वेजिटेबल को यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स के लिए भी सेम एप्लीकेबल है एंड हमारे फ्लैश फूड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो वेजिटेबल्स है ना वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में आती है, एक तो है लीफी वेजिटेबल्स और दूसरा है अदर वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, इसीलिए उनका कैलोरी काउंट भी कम होता है क्योंकि एनर्जी सोर्सेज हमें नहीं मिलेंगी। मोस्टली क्या मिलता है हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, मिलता है हमें फाइबर एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप काफी अमाउंट में खाइए क्योंकि यहाँ पे हमें कैलोरीज कैलकुलेट करनी नहीं होती है, वी कैन गिव दैट इन अबंडेंस। अच्छा मेनी टाइम्स क्या होता है ना कि हम लोग जूसेस भी रिकमेंड करते हैं, तो अगर हम देखें कि मोस्टली एप्पल, ऑरेंज, टोमेटो, ग्रेप, मैंगो, इन सारे जूसेस का अगर हम लोग एक बड़ा ग्लास कंजम्पशन करें, अगर हिसाब में लगाएं तो एक बड़ा ग्लास अगर कंजम्पशन करें तो हमें क्या दिखता है कि एप्पल जूस में एक बड़े ग्लास में 100 कैलोरीज मिलेंगी। उसी जगह अगर हम लोग ऑरेंज जूस लेते हैं तो एक ग्लास ऑरेंज जूस में हमें खाली 30 कैलोरीज मिलेंगी। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग कैलोरी यहाँ पे 70 कैलोरी हमने कम कर दी, कि हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ गया कि ठीक है आप एप्पल जूस मत खाइए, आप ऑरेंज जूस खाइए, खाली इतना चेंज हमें करना है। उसी जगह अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसको जो है वेट बढ़ाना है तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, कैलोरीज बढ़ाएंगे। तो देखिए एक ग्लास मैंगो जूस में हमारे पास 150 कैलोरीज आती है, तो हमने बोला ठीक है आप एक काम कीजिए आप ऑरेंज जूस मत पीजिए, आप मैंगो जूस पी लीजिए। तो उसमें एक ही बार में देखिए ऑरेंज जूस का 5 टाइम्स दैट इज 150 कैलोरीज हमें मिल गया मैंगो जूस के एक ग्लास से।
तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हमें कैसे कैलोरीज कमानी है या कैसे कैलोरीज बढ़ानी है, खाली फूड के चॉइस को चेंज करके। तो इसी के लिए हमें जरूरत होती है इस फूड एक्सचेंज लिस्ट की। अच्छा, केक्स एंड पेस्ट्रीज, ये भी होता है कि बहुत समय ऐसे आके बोलते हैं कि वेट लॉस करना है पर थोड़ा केक खाने या पेस्ट्री खाने का भी मन है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें कि चॉकलेट केक और हम लोग अगर नॉर्मल प्लेन केक को अगर कंपेयर करें तो हमें क्या दिखता है कि दोनों में 100 कैलोरीज का डिफरेंस है। प्लेन केक में 150 कैलोरीज आती है और वहीं चॉकलेट केक में आती है 250 कैलोरीज, यानी पूरे 100 कैलोरीज का डिफरेंस है। तो हम बोलते हैं ठीक है आप केक खा लीजिए पर आप नॉर्मल वाला प्लेन केक खाइए, आप चॉकलेट केक मत खाइए क्योंकि चॉकलेट से एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड हो रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 100 कैलोरीज घटा दी जस्ट बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ केक, हमने पैटर्न ऑफ केक चेंज किया और हमारे यहाँ पे कैलोरी खुद से ही रिडक्शन हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हम लोग दे सकते हैं, बहुत समय होता है ना कि बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, अभी तो डाइट फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट फूड का भी एक हिसाब रख सकते हैं। फास्ट फूड के हिसाब में हम देख सकते हैं कि अगर सोच लीजिए उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो समोसा खाएं या तो वो एक वेजिटेबल कटलेट खाएं, तो हमें क्या दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली एक समोसा एक वेजिटेबल कटलेट में 130 से 140 कैलोरीज होती हैं। तो वही अगर कोई जो है पोटैटो वेफर्स यानी कि जो चिप्स होते हैं ना, जो फ्राइड जो चिप्स होते हैं, अगर वो खा ले, पोटैटो जो वेफर्स आते हैं, तो उसमें हमें दिखेगा कि ओनली 50 ग्राम से ही 430 कैलोरीज आ जाती हैं। तो हम उनको बोल सकते हैं ठीक है बाहर जाइए आप एक वेज कटलेट खाइएगा, आप जो है एक मेदू वड़ा खा लीजिएगा, तो उसमें क्या हो गया हमने फास्ट फूड में भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बाहर का खाना भी वो खा सकते हैं पर उसमें भी हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है। डेजर्ट्स में भी होता है कि कोई अगर घर में कोई फेस्टिवल है या घर में कोई हम लोग कहीं पे गए हैं किसी के घर में खाने के लिए, तो वहां पे डेजर्ट मस्ट होता ही है, तो डेजर्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर डेजर्ट में कुछ खाना है तो आप देखिए यहाँ पे कि आइसक्रीम कोई अगर खाता है तो जनरली एक जो है 150 ग्राम का आइसक्रीम अगर है तो उससे 380 कैलोरीज ऑन एन एवरेज मिलती है। वही अगर किसी ने जो है गाजर का हलवा खा लिया, एक कटोरी उनको लगेगा एक बड़ा आइसक्रीम खाने से अच्छा है कि एक कटोरी गाजर का हलवा खा लेते हैं, पर अगर हिसाब लगा के देखें तो एक कटोरी गाजर के हलवे में देयर आर 600 कैलोरीज होती है, यानी कि ऑलमोस्ट आइसक्रीम से डबल। तो अच्छा है कि हम लोग एक पूरा कटोरी गाजर का हलवा ना खा के एक आइसक्रीम उनको बोलिए कि चलो ठीक है आज आप ये आइसक्रीम खा लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनकी बात भी रख सकते हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं डाइट के बारे में, उनकी बात भी हम लोग रख सकते हैं। जो बिवरेजेस होते हैं उनका भी यहाँ पे देखिए हिसाब दिया हुआ है, जो लोग मोस्टली अल्कोहलिक हैं, जो बिवरेजेस कंजम्पशन करते हैं उनके हिसाब से भी यहाँ पे जो है अल्कोहल वैल्यूज दिए हुए हैं कि कितने एमएल कंजम्पशन से कितना कैलोरीज उन्हें मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा जो कैलोरी होता है ना वो मोस्टली बियर, ब्रांडी, रम, जिन, इन सारी चीजों से आता है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि अगर हम डाइट डिजाइन कर रहे हैं, डाइट के बारे में बोल रहे हैं, तो कैसे फूड एक्सचेंज कर सकते हैं। अब और एक चीज जो डाइट प्लानिंग के समय की जाती है, दैट इज सब्स्टिट्यूट, यानी कि फूड का सब्स्टिट्यूट। जैसे किसी को अगर मिल्क खाना है तो मिल्क के दो ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक होता है हमारा टोन्ड मिल्क, दूसरा होता है फुल क्रीम मिल्क। अब थोड़ा अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या दिख रहा है कि 250 ग्राम अगर हम लोग मिल्क कंपेयर करते हैं कि 250 ग्राम का मिल्क का पैकेट है तो उसमें एक है फुल क्रीम मिल्क, दूसरा है डबल टोन्ड मिल्क। तो क्या दिखेगा हमें कि डबल टोन्ड का मतलब क्या होता है, डबल टोन्ड का मतलब होता है कि हमने मिल्क को हीट किया, हीट करने के बाद हम सबको पता है ना कि उसकी जो मलाई होती है, जो फैट होता है वो मिल्क के ऊपर आ जाता है, करेक्ट। तो मलाई हमने क्या की, बॉयल करने के बाद मलाई हमने निकाल लिया, वापस से हीट किया, वापस से थोड़ी मलाई आई उसको हमने निकाल लिया, यानी कि हमने मिल्क में से फैट को हटा दिया, खाली फैट को हटाया। मिल्क में जितना प्रोटीन था वो अभी भी है, मिल्क में जितना कैल्शियम था, जितना विटामिन था वो अभी भी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि अच्छा चलो आपको मिल्क कंजम्पशन करना है आप कीजिए, पर आप फुल क्रीम मिल्क ना खा के आप जो है डबल टोन्ड मिल्क खरीदिए, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन जितना मिल्क में होता है पूरा रहेगा पर फैट नहीं रहेगा।
अब जैसे ही हमने फैट हटा दिया, जैसे ही हमने फैट यहां से निकाल दिया, घटा दिया, तो हमें क्या दिखा, कैलोरीज भी हमारी घट गई. सो देयर वाज 218 कैलोरीज. जो होल मिल्क था ना, जो क्रीम वाला मिल्क था, उसमें 250 ग्राम में ही 218 कैलोरी किलो कैलोरीज हमारे पास आ रही थी. अभी क्या हो गया, डबल टोन्ड मिल्क में उसे 250 कैलोरीज में प्रोटीन पूरा आया, प्रोटीन इज सेम बट फैट नहीं होने के कारण यहाँ पे कैलोरीज घट गई. तो ऑलमोस्ट देखिए 100 कैलोरीज का डिफरेंस है. यानी कि अगर आप फुल क्रीम मिल्क लेते हैं और डबल टोन्ड मिल्क लेते हैं, तो 100 कैलोरीज का डिफरेंस दोनों में होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैट हमने रिमूव कर दिया है. तो इसको हम लोग बोलते हैं फूड सब्स्टिट्यूट. कि अगर आपको ये वाली चीज खानी है तो ठीक है आप खाइए, पर ये वाला फॉर्म ना खा के ये वाला फॉर्म खाइए. मिल्क आप खाइए पर फुल क्रीम ना खा के आप टोन्ड मिल्क खाइए. ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे अगर आपको राइस खाना ही, या अगर आपको रोटी खाना, आपको आटा खाना ही है, तो या आप क्या कीजिए, आप जो रोटी है वो मैदे की रोटी नहीं खाइए, आप होल ग्रेन जो आटा मिलता है उसकी रोटी खाइए. तो इसको हम बोलते हैं फूड सब्स्टिट्यूट. माने चीज हम लोग एक ही दे रहे हैं, पर उस चीज का जो है हमने कैलोरी मैनेजमेंट कर लिया, कैलोरी हमने वहां पे कमा दिया. ठीक है, तो डिफरेंट तरीके के फूड सब्स्टिट्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं. तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया ना, ये एक्सचेंज लिस्ट के बारे में, ये फूड सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, तो इससे फायदा क्या मिलता है हमें? तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक तो है कि वैरायटी ऑफ फूड्स हम लोग ऐड कर सकते हैं. जैसे हमने देखा कि कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए, कितने सारे वैरायटी ऑफ फूड्स हम लोग दे सकते हैं. कि ठीक है, अगर आपको आज गाजर नहीं खाना है, तो आज जो है आप बीट रूट खा लीजिए. तो ये वाली ऑप्शंस हम लोग उनको दे सकते हैं. डाइट कैन बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कि बहुत सारे कल्चर्स में बहुत सारी चीजें नहीं खाते, बहुत सारे कल्चर्स में जो है बहुत सारे बिलीव्स होते हैं कि आज ये करना है, आज ये खाना है, आज के दिन खट्टा नहीं खाना है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं. तो अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है आप दही खाइए, अब उन्होंने बोला कि नहीं, दही तो मैं नहीं खा सकता, फ्राइडे मैं दही नहीं खाता, तो आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है आप रोज दही खाइएगा, खाली फ्राइडे के दिन आप क्या कीजिए, दही नहीं खा के आप इतना दूध पी लीजिए. तो हमने उसका प्रोटीन बैलेंस वहां पे कर दिया. ठीक है, तो ये वाला इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो है, ये हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हैं. हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन बेटर. तो और क्या होगा कि अगर हम लोग एक्सचेंज लिस्ट को यूज करेंगे, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ेगा. जैसे कि अगर मेरे पास ऑप्शन है कि आप जो है या तो गाजर का हलवा खा लीजिए, या जो है आप सूजी का हलवा खा लीजिए, ये दोनों मेरे पास ऑप्शन है. अब क्या होगा, दोनों में सोच लेते हैं कैलोरी सेम है, पर गाजर में हमें क्या मिलेगा, कैरेट में मिलेगा हमें विटामिन ए, कैरेट में मिलेगा हमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि चलिए आप सूजी का हलवा मत खाइए, कैरेट का हलवा खा लीजिए. तो इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगी. तो इस तरीके से हम फूड एक्सचेंज यूज करके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है डाइट का बढ़ा सकते हैं. तो आज की सेशन में इतना ही डिस्कस करना था मुझे. थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. तो अभी जो है आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर किसी को कुछ भी बोलना है आप, या कुछ भी पूछना है, तो प्लीज यू कैन आस्क. इफ समबडी कैन आंसर. राहुल म्यूट करना है जी, सबको। हाँ अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. आपको अनम्यूट किया है सबको, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मैम को पूछ सकते हो अनम्यूट करके अपने। हेलो, जी हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम. पहले तो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में क्योंकि लोड शेडिंग था इधर में। अच्छा, दूसरा बात, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, वो है ये लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब क्या है और अच्छा इसको हम क्या। जी, लैक्टोज इंटॉलरेंट और क्या पूछ रहे थे आप, बताइए. मतलब हाउ टू डील विद दिस पीपल हु लैक्टोज आस्के इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंट। यस
ओके ओके, तो क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि जो हम मिल्क खाते हैं ना, मिल्क अगर हम लोग खा पीते हैं तो हमें उसमें ना थोड़ा सा एक मीठा एक फ्लेवर आता है। तो क्यों आता है मीठा फ्लेवर? क्योंकि मिल्क में लैक्टोज नाम का एक शुगर होता है। तो ये शुगर हमारे लिए हेल्दी है, हम सबके लिए जरूरी भी है, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में ये शुगर जो है यूटिलाइज नहीं होता है, मतलब वो लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो हमें दिखता है कि मिल्क पीने के बाद ना उन्हें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग होता है, गैस होता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनमें दिखती हैं। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली मिल्क से होगी, मिल्क से बनी कोई भी चीज जिसमें जो है लैक्टोज शुगर है, ऐसी चीजों में जो है उनको प्रॉब्लम होती है। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इनके लिए हम कोई ऐसा डाइट सोच सकते हैं जहां पे लैक्टोज नहीं हो। जैसे कि आप मिल्क की जगह इनको दही दे सकते हैं। दही में क्या होता है? दही खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो दही में लैक्टोज को तोड़ देता है, लैक्टोज को ब्रेक कर देता है और उससे बनाता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से दही खट्टा भी होता है और न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको अगर हम दही दें तो दही में लैक्टोज नहीं है तो वो डेफिनेटली दही खा सकते हैं। ठीक है? हेलो, थैंक यू मैडम। हेलो, हाय मैम। यस, मैम मुझे हाय। पूछना कि जैसे सीकेडी के पेशेंट हैं जैसे होते हैं, उनको क्या डाइट देना चाहिए सीकेडी के पेशेंट को अच्छा, सीकेडी जो रीनल हमारा के? क्रॉनिक, हाँ, जो क्रॉनिक किडनी जो डिजीजेस है ना, इसके 5 स्टेजेस हैं। ठीक है? तो जो लास्ट स्टेज होता है जिसको हम लोग 4th एंड 5th जो स्टेज होता है ना, इसको हम लोग एंड स्टेज बोलते हैं। तो एंड स्टेज माने वो वाले पेशेंट जो कि बहुत ही जिनकी हालत खराब है, क्रॉनिक है, तो इनका डायलिसिस चलता है जनरली। तो इन हाँ जी, पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शंस करते हैं। जैसे एक तो आता है वाटर रेस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि वो लोग यूरिन नहीं फॉर्म कर पाते तो वाटर रेस्ट्रिक्शन आता है। दूसरा आता है अगर डायलिसिस जिस दिन नहीं है या डायलिसिस अगर नहीं चल रहा है तो उस समय प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन रहता है। अगर डायलिसिस चल रहा है तो प्रोटीन भी हम लोग देते हैं। हमारे रीनल के मॉड्यूल्स हैं, वहां पे हम लोग इसको और भी इलेबोरेटली देखेंगे। इसके अलावा जो है पोटेशियम बैलेंस करना होता है इनकी बॉडी में, क्योंकि पोटेशियम भी ये लोग एक्सक्रीट नहीं कर पाते, तो बॉडी में पोटेशियम जो है जमता रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है मसल क्रैम्पिंग हो रहा है। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ना, जो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, क्रिएटिनाइन, जी यूरिया, ये सारा भी बॉडी में रह जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा कम रखते हैं जिससे ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है बॉडी में ना जमे या ना बढ़े। तो इसका जो डिटेल, जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, वो हम रीनल वाले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। जी, अच्छा, कोई और, एनी अदर मॉर्निंग क्वेश्चन? हाँ, मैडम, गुड मॉर्निंग। हेलो यस, मैडम, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम, ये आप कैलरीज बोलते हैं, इसमें फर्स्ट मील में एक पर्सन कितना मील तक उनका बॉडी के वेट से, बॉडी का हाइट के हिसाब से, बॉडी उनका इंटेंसिटी लेवल, कौन सा इंटेंसिटी लेवल से अपन डाइट देते ना, कितना ऑब्जर्व करेगा मैं बॉडी में एक मील आई एम रियली नॉर्मल सॉरी, फूड आपका खाकर? वॉइस ना बहुत लो आ रहा है, थोड़ा सा आप ऊंचा बोल सकते हैं? कितना बॉडी कैलरी कितना ये करेगा मैम, 100 एक मील फर्स्ट मील? आई एम रियली सॉरी, पर आपका जो है ना क्लियर नहीं हो रहा है। आप अगर थोड़ा सा, अगर आप चैट बॉक्स में लिख दें, सो आई विल डेफिनेटली आंसर। ओके, जी, अजय जी, आप कुछ बोल रहे क्वेश्चन थे? पूछना, जिसको क्वेश्चन पूछना है ना, प्लीज वही अपने आप को अनम्यूट कीजिए, नहीं तो किसी के भी डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। मैम आपके लिए ही बैठी है, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो जिसको डाउट क्लियर करना है, किसको कुछ क्वेश्चन है, बस वही अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने आप को फिर से अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। अच्छा, उन्होंने अभी तक क्वेश्चन दिया, लिखा नहीं है। अच्छा, कोई और अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी आपको अगर डाउट है या डिस्कशन करना चाहते हैं आप? मैम जैसे कि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी ज्यादा प्रैक्टिस में मुझे क्या दिक्कत आती है कि जिन पेशेंट्स को सर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे कार्डियक है, डायबिटिक है, रीनल है,
ज्यादातर मेरे को डाइट के रिगार्डिंग इसी पेशेंट में, जैसे जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम है उसी में दिक्कत आती है, उसका डाइट प्लान बना लेते करेक्ट हैं सब पर, लेकिन कुछ ना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है उन पेशेंट्स को, मतलब कि या उनकी कोई ना कोई कमी रहती है कि हमें ये सेट नहीं बैठ रहा, और डॉक्टर ने भी काफी सारी उस चीज में रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि वाटर इनटेक, सॉल्ट नहीं, तो पेशेंट बोलता हम क्या खाएं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर उसको हम बोले सॉल्ट के बगैर खाना तो वो कहता हम कैसे जिए सर्वाइव करें, और अच्छा हार्ट पेशेंट को भी पानी लिमिटेड होता है जब उसका सीएडी होता है, तो उसके बाद मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम आई थी ना, तो उस टाइम पे ना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता हूँ मैं भी कि पेशेंट को एक पर्टिकुलर डाइट क्या दूं ताकि वो इजीली कंज्यूम कर सके, उसको कोई परेशानी ना आए, इसके लिए आप क्या करें? जी, एक्चुअली क्या होता है, हो सकता है इसको हम लोग कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, यानी कि हो सकता है कि एक ही इंसान को दो या उससे ज्यादा बीमारियां एक साथ हैं। तो इसमें दो तीन चीजें करनी होती हैं, जैसे कि सोच लेते हैं किसी को हार्ट डिसऑर्डर भी है या किसी को रीनल डिसऑर्डर भी है। अब हमें ये देखना है कि उस पेशेंट में किसको प्रायोरिटी दे। जैसे कि हो सकता है कि हार्ट में उनका हो सकता है फैट डिपोजिट हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना, हार्ट में प्लाक बन जाता है, तो वो उनका एक इश्यू है, वो उनका एक प्रॉब्लम है। और साथ में हमें ये भी दिख रहा है कि उसका उनका जो है रीनल डिसऑर्डर भी उनकी बॉडी में स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ना प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिन चीजों को हमें हटाना है। ये फर्स्ट एक लिस्ट आउट करना है कि कौन सी चीजें टोटली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उन चीजों का एक लिस्ट आउट हमें बनाना है। बनाने के बाद वहां पे हमें मैनिपुलेट करना है। जैसे कि एक बात तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी आपने कहा ना कि सॉल्ट पूरा बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, सॉल्ट हम पूरा बंद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड होता है कि कम होता है कि हाँ आपको थोड़ा कम सॉल्टी खाना खाना है, पर इनिशियली से ही ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करना है। कब करना होता है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन? जब बॉडी में ना सूजन आती है, स्वेलिंग होता है, एडेमा या एसाइटिस जब होता है ना बॉडी में, जब स्वेल हो जाता है तब आपको खाली सॉल्ट को कट डाउन करना है। अगर आपकी बॉडी में एसाइटिस नहीं है, आपको स्वेलिंग नहीं दिख रही है बॉडी में, देन आप कम अमाउंट में सॉल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको एक प्रायोरिटाइज पहले करनी होती है कि उनके बॉडी में क्या क्या चीजें हमें कट डाउन करनी है, उनका करंट सिचुएशन कैसा है। अब करंट सिचुएशन एक तो हो सकता है कि उनका सिम्टम्स देख के हम लोग एनालाइज करें कि अच्छा चलो स्वेलिंग है कि नहीं है। दूसरा होता है उनका ब्लड रिपोर्ट्स, उसके बारे में थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जैसे हम सोच रहते हैं कि किसी के कोई रीनल पेशेंट है ना, उनका एक बड़ा इशू होता है कि उनका एल्ब्यूमिन जो है बॉडी में कम हो जाता है, एल्ब्यूमिन उनकी बॉडी में लोअर हो जाता है। तो उस एल्ब्यूमिन को बढ़ाने के लिए हमें हमारा मेन फोकस होगा कि कैसे उसका हम एल्ब्यूमिन बढ़ाएं। तो ये तो हम उनको देख के नहीं बता सकते कि आपका एल्ब्यूमिन कम हो गया है, आप प्रोटीन खाइए, आप जो है एग वाइट खाइए। तो हमें उनका रिपोर्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा होना चाहिए। तो हमारे जो क्लासेस हैं इसके बाद वहां पे हम जब एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन से रिपोर्ट्स की वैल्यू के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो वो तो जनरली डॉक्टर के पास से आते हैं रिपोर्ट करा के, तो जस्ट हमें देखना है कि ये वैल्यू ज्यादा है कि कम है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम उनको डाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स एंड उनका जो है थोड़ा सा रिपोर्ट एनालिसिस होना जरूरी है। राहुल, डू वी और अंडरस्टैंड मैम, दिस? हाँ जी, यस मैम, मैम जैसे कि मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, बट मेरा एक्चुअली मैं जहाँ पे अभी कर रहा हूँ प्रैक्टिस, तो वैसे सभी मल्टीपल टाइप के पेशेंट्स आते हैं, बेसिकली मैं आर्मी हॉस्पिटल में करता हूँ प्रैक्टिस, ओके, तो वहाँ पे काफी सारे हमें आर्टिफिट्स के पेशेंट्स आते हैं, या फिर जैसे कोई डायबिटिक आते पेशेंट आते हैं, वो भी आर्टिफिट भी होते हैं कई बार आईसीयू के, कुछ इसी के भी मेरे पास अभी केस आया था, एक प्रेग्नेंट लेडी है 24 वीक्स की है, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो ओके, उनको अब आर्ट ट्यूब से फीड चल रही है, तो अच्छा, इसका एक हम जो आर्टी फीड देते हैं हम जनरली वो किस पैटर्न में देनी चाहिए, मतलब कि 2 घंटे का या 3 घंटे का, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी ML उसकी पर फीड में जाना चाहिए, उसका क्या प्रोटीन रहना चाहिए, इसका कोई एक मॉड्यूल सेट है कि जिसके हिसाब से हम हाँ कैलकुलेट करके हम जी फाइंड जी आउट कर सकते हाँ कि हमें हम लोग इजी जिसको होगा। राइट जो आरटी ट्यूब का जो होता है ना, इसमें जनरली हम लोग जो है मेनी अ टाइम्स सप्लीमेंट्स देते हैं, मेनी अ टाइम्स जो है उनके लिए अलग कॉम्पोजिशन बनाना पड़ता है उनके बॉडी के अकॉर्डिंग।
और जो फीड होता है वो अराउंड आपका 2 घंटे बाद होता है। तो इसका एक सेट गाइडलाइंस है जिसको हम लोग पेरेंटल न्यूट्रिशन गाइडलाइंस बोलते हैं, तो उसका गाइडलाइंस है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो आपके साथ में शेयर कर पाऊँ, अगर हमारे जितने भी मॉड्यूल्स में कवर होता है देयर वी विल कवर, नहीं तो आई विल ट्राई टू शेयर दैट विद यू। थैंक यू सो मच मैम। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? फर्स्ट मील में कितना किलो कैलोरी? ओके, तो देखिए फर्स्ट तो जो है ना हमें कि पर्सन का कैलोरी काउंट करना होता है कि अगर उनका इतना बॉडी वेट है, अगर उनका इतना हाइट है, तो इसके अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज हमें उनको देनी है, कितनी किलो कैलोरीज हमें देनी है, ये फर्स्ट हमारा एनालिसिस होना चाहिए। तो मोस्टली अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की बात करें तो वहां पे 2200 कैलोरी ठीक है। अगर हम ये सोचे कि अभी इनका जो है वेट लॉस करना है या इनको जो है रेस्ट्रिक्टेड पीरियड में फास्टिंग करवाना है, तो उनके लिए कैलोरी पे धीरे धीरे क्या होती है, कट डाउन होते रहती है। तो उसमें भी एज पर गाइडलाइंस जो है 1200 कैलोरी के नीचे हम लोग नहीं दे सकते। और उसके बाद आता है कि इन कैलोरीज का हमें डिविजन करना है कि इतनी कैलोरीज में कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज का दूं। सोच लीजिए 2200 कैलोरी का चार्ट बना रहे, तो उसमें मुझे देखना है कि कार्बोहाइड्रेट में कितनी परसेंट कैलोरीज का दूं। तो मैंने सोचा है कि ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में 50 to 55% रखूंगी। तो फिर वहां पे 2200 में से तो 1100 कैलोरी हमारी कार्बोहाइड्रेट की चली गई, बाकी जितनी कैलोरीज बची उसको अभी फर्दर डिवाइड करेंगे कि 30% का फैट है, कितने परसेंट का प्रोटीन है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया, एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग चार्ट सेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा चार्ट मेकिंग में हमें अच्छे समझ में आएगा कि कैसे हम लोग किलो कैलोरी काउंट करें और फिर कैसे उसको हम लोग डिफरेंट दिन के डिफरेंट मील प्लान में, ब्रेकफास्ट में कितना, लंच में कितना, डिनर में कितना, उसको फिर हम लोग सेट करें। थैंक यू। आई डोंट सी एनी अदर क्वेश्चन। मैडम कोई एक चीज, और? एक बार एक बार जी एक एक पूछ सकते हैं? जी ये आप जी फर्स्ट मील के बारे में अभी बोली ना, इसी के रिलेटेड है। हाँ नॉर्मल इंसान के लिए आप बोले 200 सॉरी 2200 कैलोरीज। अगर जी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कोई एथलीट है, कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा है, स्पेशली आई डू वेट ट्रेनिंग, तो उसके लिए कितना होना चाहिए? मतलब एक बार आपसे अगर जान लेते हैं हम। देखिए अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो है आपका मेन टारगेट अगर रहता है कि मुझे जो है मसल मास बिल्डिंग करना है, तो हाँ उसमें थोड़ा हाँ तो उसमें थोड़ा जो है प्रोटीन एंड कैलोरी हाई रहता है, तो उसमें भी जो है 2600 कैलोरी, उससे ज्यादा का जनरली गाइडलाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कैलोरी से भी ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे टाइप ऑफ फूड में, कि अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हैं तो आपको इनिशियली ग्लाइकोजन बिल्ड करना है, यानी कि आपका कार्ब होना चाहिए वहां पे, और उसके साथ रहेगा आपका प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो एक्सरसाइज का पैटर्न है ना, किसी दिन आपने हिट एक्सरसाइज किया, किसी दिन आपका अगर लेग डे है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेट कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपके हिट एक्सरसाइज के पहले कितना हम लोग दें, जिस हिसाब से आपका बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सके। तो इस तरीके से हम लोग ये पैटर्न डिजाइनिंग करते हैं। थैंक थैंक यू मैम। यू। हाउ इफेक्टिव इज डिटॉक्स डाइट? अच्छा, डिटॉक्स का जो कंसेप्ट है अगर इसको सही से फॉलो करें सो इट वर्क्स। मेनी अ टाइम्स क्या होता है ना कि अभी जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप जो है नॉर्मल जीरा पानी खा लीजिए या सिनेमन खा लीजिए, तो खाली उस चीज को खाने से डिटॉक्स नहीं होगा। डिटॉक्स डाइट के हिसाब से हमें देखना है कि डिटॉक्सिफिकेशन की सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए मस्ट उसमें। जो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारी लिवर को चाहिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम P450। तो ये मॉलिक्यूल को बूस्ट कराने के लिए जिस तरीके की चीजें होती है, जैसे कि यूबिक्विनोन चाहिए, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज करके हम लोग डिटॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटॉक्स डाइट से डेफिनेटली काम होगा, पर ये देखना है कि उनको डिटॉक्स क्यों चाहिए, ये हमें फर्स्ट एनालाइज करना है। हो सकता है उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट वाला डिटॉक्स करेंगे, हो सकता है कि उनकी बॉडी में जो है स्वेलिंग है या फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, तो तब हम लोग डाइयूरेसिस वाला डिटॉक्स अप्लाई करेंगे। तो डिटॉक्स भी काम करता है, पर खाली डिटॉक्स हम लोग करेंगे, नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स कंजम्पशन नहीं करेंगे, दैट वोंट डू।
अच्छा कीटो डाइट, देखिए कीटो डाइट का क्या है कि पहले तो ये है कि कीटो डाइट बहुत जन ये सोचते हैं कि खाली अगर हम लोग फैट और प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएं तो उससे वेट लॉस होगा। तो बात ये है कि वेट लॉस इनिशियली होगा, ठीक है, कीटो डाइट से इनिशियल वेट लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के पास कार्ब्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं है, तो बॉडी डेफिनेटली फैट को यूज करना स्टार्ट कर देता है, तो इसीलिए इनिशियल वेट लॉस हमें दिखेगा। पर जो मेन प्रॉब्लम है कि कीटो डाइट करने से जब हम कार्ब पूरा बंद कर देते हैं ना बॉडी के लिए, तो बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कीटो डाइट का मतलब होता है जहां पे कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू अराउंड 15% है, जो जनरली 50-55% होना चाहिए, वहां से कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करके हम लोग स्टैंडर्डाइज एज पर गाइडलाइंस 15% रख सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं, बाकी 15 छोड़ के जो 85% जो डाइट हमारा होगा वो मोस्टली प्रोटीन और फैट रिच होगा, इसको हम बोलते हैं कीटो डाइट। अच्छा, विच वन इज बेटर, कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग? इन कंपैरिजन टू कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी हद तक सेफ है, क्योंकि कीटो डाइट से क्या होता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन कीटो डाइटिंग नहीं कर सकते, पर आप लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें आपका जो है सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको मिलती है। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी हमें ये देखना है कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होना चाहिए। सो इन कंपैरिजन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज मच हेल्दियर ऑप्शन। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। इफ देर इज एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क। कल भी हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा जहाँ पे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सो होपफुली दैट विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू मैम, लगता है अभी नहीं है डाउट्स, एंड कर देते हैं लेक्चर। और ओके मैम थैंक ओके यू सो मच, द जी, एक्सप्लेनेशन वाज रियली ग्रेट, ग्रेट थैंक यू, लेक्चर। थैंक यू सो मच।